देवभूमि उत्तराखंड में घुसपैठ के खिलाफ एकम सनातन भारत दल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। एकम सनातन भारत दल का कहना है, उत्तराखंड के सांख्यिकी स्वरूप को योजनाबद्ध तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। एकम सनातन भारत दल का कहना है, उत्तराखंड देवभूमि के स्वरूप को योजनाबद्ध तरीके से बदलने की आग की भनक लगने पर हमने धरना प्रदर्शन किया। दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर के महाजन का कहना है कि प्रदेश के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में अवैध तरीके से प्रदेश के बाहरी हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग आकर बस रहे हैं, जिसके कारण देवभूमि उत्तराखंड का स्वरूप बदल रहा है। राज्य सरकार को इन बाहरी लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। डॉक्टर महाजन का ये भी कहना है कि सरकार द्वारा इस मामले में ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ एकम सनातन भारत दल के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, थोड़े से रुपए की वजह से आप उत्तराखंड का देवभूमि का स्वरूप नष्ट कर दोगे। उत्तराखंड जाना किसे जाता है? उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग क्या कहते हैं, यहाँ पर एक शंकराचार्य जी का मठ भी है, वहां तक भी ये लोग पहुंच गए हैं, तो क्या देवभूमि का स्वरूप रहेगा? यह एक प्रश्न सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न है। 4 करोड़ से ज्यादा जो बांग्लादेश से भारत के जो मत वो तो हमारे अपने हैं, लेकिन 4 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं और उनके बाद रोहिंग्या भी आने शुरू हो गए। तो जब इतनी भारी संख्या में ये अवैध रूप से लोग आएंगे, घुसपैठी आएंगे, तो वो हर जगह जाकर बसेंगे और यहाँ का जो स्वरूप होगा, सनातन स्वरूप, हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, इस सनातन स्वरूप को योजनाबद्ध तरीके से खंडित करने का प्रयास है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।